कश्मीर में आज आतंकियों के खिलाफ हमारा एक और बदला पूरा हुआ। आतंकियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में रजनीबाला के हत्यारे आतंकी को मार गिराया गया है। बता दें कि कुलगाम में 3 दिन तक चली मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर हुए हैं। ये दोनों आतंकवादी कुलगाम एनकाउंटर में मारे गए हिंदू राजपूत शिक्षक रजनीबाला के हत्यारे हैं। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के पुलवामा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस और सुरक्षा बलों ने अरमुल्ला गांव में कूड़े में आतंकवादियों द्वारा लगाए गए 15 किलो आईईडी को बरामद करके एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया है। इस आतंकी वारदात में शामिल 2 आतंकी साथियों को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही इनके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। इस बीच कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि पुलवामा पुलिस और सुरक्षा बलों ने लिटर के अरमुल्ला गांव में 15 किलो का आईडी बरामद किया था। वहीं बताते चलें कि जम्मू कश्मीर में बैंक मैनेजर राहुल भट्ट की दिन दहाड़े हत्या करने वाले आतंकी को भी मार गिराया गया था। इस आतंकी को सुरक्षा बलों ने शोपिया में हुए एनकाउंटर में मारा है। वहां कुल 2 आतंकवादी मारे गए थे। दोनों आतंकी लश्कर ए तैयबा से जुड़े थे। मारे गए एक आतंकी का नाम जान मोहम्मद लोन था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया हेड।